तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आज आपको घर दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपको ड्राइंग सेपरेट मिलेगा, डाइनिंग सेपरेट मिलेगा, आपको प्राइवेट लाउंज मिलेगा, पूजा रूम मिलेगा, और जो लोकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी एरो सिटी एयरपोर्ट रोड मोहाली, और जो प्राइस रहेगा वो रहेगा अफोर्डेबल। तो आप बोलोगे लखवीर जी आप मजाक कर रहे हो, मैं लखवीर हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी बेस्ट लोकेशन पे और बेस्ट प्राइस के साथ लेकर आऊँ, और वो वादा मैं आज फिर से पूरा करने वाला हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ आपको एक बहुत ही प्यारे 3 BHK घर में मिलने वाला है। तो जी हाँ, शुरू करते हैं। 5 एकड़ की टाउनशिप रहने वाली है, 161 स्क्वायर यार्ड में आपको ये अपार्टमेंट बना हुआ मिल जाता है, 3 बेडरूम विथ सेपरेट ड्राइंग एरिया विथ पूजा रूम, और आपको मिल जाता है आपकी पार्किंग साथ स्टोर। तो दोस्तों, एरो सिटी एयरपोर्ट रोड मोहाली की लोकेशन रहने वाली है। अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं मोहाली के पास, चंडीगढ़ के पास, जरूरपुर के पास, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। तो 7 फीट हाइट का आपको डोर मिल जाता है, एंट्रेंस में आपको मिल जाती है आपकी प्राइवेसी प्रॉपर। वो कैसे, स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको फॉयर एरिया, और एंट्रेंस में भी आपका लेफ्ट साइड पर रहता है मेरे ड्राइंग एरिया। 10 बाय 12 का आपको यहाँ पर ड्राइंग एरिया मिल जाता है, और आप देखिए बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है। एक अफोर्डेबल सेगमेंट के हिसाब से एक प्राइवेट ड्राइंग एरिया मिलना बहुत ही अमेजिंग बात है, क्योंकि घर में आपको हर एक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, स्टोर रूम से लेकर पूजा रूम तक, लाउंज से लेकर ड्राइंग एरिया तक, हर चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। अगेन, अगर ये ड्राइंग एरिया है तो फ्रंट में आपका प्रॉपर प्रोविजन रहेंगे हर एक चीज़ की। LED पैनल आपको यहाँ पे लग जाएगा, ड्राइंग में आप गेस्ट के साथ बैठ के टीवी तो इन्जॉय कर सकते हैं, पर अपने प्राइवेट लाउंज एरिया में अपनी फैमिली के साथ और भी बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा घर बहुत ही कम देखने को मिलता है एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छे प्राइस के साथ। साथ में आपको मिल जाता है आपकी बैल्कनी का एक्सेस, और आप देखिए कितनी अमेजिंग क्वालिटी है, और बैल्कनी आपकी यहाँ पे 4 फीट वाइड रहने वाली है, और सामने घर के बिल्कुल सामने की रहती है 35 फीट वाइड रोड, और साथ में आपको मिल जाता है ग्रीन एरिया का व्यू। तो एक बहुत ही अच्छा घर आपको मिलने वाला है बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे, विद लिफ्ट रहने वाला है, और हर चीज़ एक रिक्वायरमेंट जो घर में होती है एक इंडिविजुअल फैमिली की, न्यूक्लियर फैमिली की, छोटी फैमिली की, वो आपकी यहाँ पे फुलफिल होती है। ये रहेगा आपका 10 बाई 25 फीट वाइड ड्राइंग एंड आपका लाउंज एरिया। अगेन आप देखिए इतना अच्छा यहाँ पे साइज मिल जाता है, इतनी क्लियर स्पेस मिल जाती है कि आपको यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं आपके सर्कुलर मूवमेंट्स हैं, आपको चाहे सर्विस करनी है डाइनिंग के लिए, चाहे आप लाउंज में बैठ रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट करने के लिए स्पेस मिल जाती है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं 6 सीटर हमने डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है, पर अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप यहाँ पे इजीली 8 to 10 सीटर भी लगा सकते हैं। और इस घर में आप देखिए अभी ये सैंपल रेडी नहीं है, अभी सैंपल रेडी हो रहा है, और फिर भी आप देखिए यहाँ पे सनलाइट प्रॉपर है, वेंटिलेशन प्रॉपर है। वो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा हर चीज़ मिल रही है, तो उसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, ये घर आपका बो साइड ओपन रहने वाला है। जी हाँ, फ्रंट में पार्क का व्यू, पीछे आपके प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन, क्योंकि पीछे आपकी रहती है 25 फीट वाइड रोड। इसके साथ रहने वाला है आपका एक और चीज़, वो है क्या, पूजा रूम। हर एक घर में जो आपको नेसेसिटी चाहिए होती है, कि नहीं किसी में आपको पूजा रूम नहीं मिलता, किसी में स्टोर नहीं मिलता, किसी में आपको प्राइवेट लाउंज एरिया नहीं मिल रहा, ड्राइंग डाइनिंग छोटा मिल रहा है, पर यहाँ पे आपको हर चीज़ प्रॉपर मिल रही है। तो यहाँ पे आप डाइनिंग के साथ पार्टीशन करके अपना फैमिली लाउंज एरिया बना सकते हैं, फैमिली के साथ अच्छे मेमोरेबल मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, जिसका साइज रहने वाला है 11 बाई 15, तो 11 बाई 15 का आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे रूम सेट मिल जाता है। तो दोस्तों 4 डोर आपको यहाँ पे कबर्ड्स मिल जाती हैं, और कबर्ड्स को देख के ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि अभी इसका सैंपल रेडी हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे हैंडल्स नहीं लगे, तो सोच सकते हैं कि आप हम कितनी जल्दी है आपके घर दिखाने की, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे बहुत ही अमेजिंग इन्वेंट्री है। तो जल्दी कीजिए ये घर, आप अगर आपका बजट इस प्राइस में फिट बैठता है तो जल्दी कीजिए, कहीं ये मौका आपके हाथों से छूट ना जाए, क्योंकि विद लिफ्ट रेडी टू मूव ऑप्शन, वेट नहीं करना आपने, विद इन मंथ आप रजिस्ट्री करके यहाँ पे रह सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये रहेगा आपका अटैच वॉशरूम, तो फ्रेंड्स ये रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम, अगेन 10 बाय 15 का आपको यहाँ पे साइज मिल रहा है, और अगेन आप देखिए काफ़ी अच्छा है आपको यहाँ पे रूम साइज मिल जाता है,
क्योंकि घर में स्पेस बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कवर्स आपको यहाँ पर 3 डोर मिल रही है, हैंडल्स अभी लगे बाकी हैं, और हम आपके लिए प्रॉपर्टी बहुत ही जल्दी लेकर आए हैं, क्योंकि जब तक इसका सैंपल रेडी होगा तब तक ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो जाएगी। और हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स, चाहे वो दिल्ली से हैं, चाहे वो चंडीगढ़ से, चाहे वो पंचकुला से, चाहे वो मोहाली से, हम चाहते हैं कि वो एक बार ये प्रॉपर्टी ज़रूर विजिट करें, और अगर उनका बजट फिट बैठता है तो ऐसी प्रॉपर्टी हाथ से ना जाने। इसी के साथ रहेगा आपका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम साइज आपको तीनों ही वॉशरूम का बहुत ही अमेजिंग मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा साइज आपके आपके रहने वाला है। दोस्तों पूजा रूम आपने देख लिया, ड्राइंग रूम आपने देख लिया, डाइनिंग देख लिया, लाउंज देख लिया, दो रूम आपने देख लिया बहुत ही अच्छे साइज के थे। और इसकी जो एक और खासियत है वो है बहुत साइड ओपन, जैसे मैंने कहा। तो ये रहेगा आपका वॉशिंग एरिया। इस घर की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि हर रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है। और उसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, वो है कॉमन वॉशरूम, जो कि घर की नेसेसिटी होती है, वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो दोस्तों ये रहेगा आपका किड्स और गेस्ट बेडरूम। 10x10 का आपको ये रूम साइज मिल जाता है। आप देख सकते हैं क्लियर रूम साइज 10x10 का बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कवर्स हैं आपकी वो रूम के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो आपकी इनबिल्ट रहने वाली है, रूम में स्पेस कवर नहीं कर रही। तो एक अच्छा डिसेंट सा रूम साइज मिल जाता है, 2 रूम 10x15 का, 3rd रूम आपका 10x10 का विद क्लियर रूम साइज। तो एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छे प्राइसिंग के साथ। कैसा लगा आपको घर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और जाने से पहले मुझे पता है कि आप किचन की वेट कर रहे हैं, जितना प्यारा ये घर है उतनी प्यारी आपकी यहाँ पे किचन रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। 7x12 का पैलेस स्पेस के साथ आपको किचन मिल जाता है। किचन के अंदर आपको यहाँ पे ड्राई पेंट्री मिल जाती है, आपकी OTG ओवन के लिए स्पेस मिल जाती है, ड्राई बास्केट मिल जाती है, सारी किचन आपकी हैंडलेस रहेगी विद सॉफ्ट क्लोजर। ऊपर आप कैबिनेट्स देख सकते हैं, कितने प्यारे ग्लास प्रोफाइल से कैबिनेट्स बनाए हुए हैं। और जैसे मैं कहता हूँ पैलेस स्पेस है तो वेट एरिया अलग, ड्राई एरिया अलग, और बिल्कुल मेरे सामने आपको मिल जाती है आपकी सनलाइट वेंटिलेशन की बालकनी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये घर, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं होती, आप हमें कमेंट के जरिए अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा बेस्ट प्रॉपर्टी बेस्ट प्राइस पे ट्राई करते हैं कि लेकर आएँ, और वो हम फुलफिल भी करते हैं। तो मैं आपका दोस्त होस्ट लखवीर आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई लोकेशन के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एलसम। और इस प्रॉपर्टी का प्राइस शुरू होता है, वो होता है 73,90,000। जी हाँ, 73 नंबर से प्रॉपर्टी शुरू होती है, और वो भी प्राइस नेगोशिएट। तो जल्दी कीजिए।